मेरा मुकाबला तुम फेसबुक ही है, कल के लौंडे जिनकी कोई औकात नहीं, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, पसीना नहीं बहाया, जिनको तजुर्बा नहीं, कोई तालीम नहीं, विद्वान नहीं, एक आम आदमी से करके कहते हो बे कि घमंड है। अरे बेवकूफ जाहिलों, घमंड क्या होता है? ये आत्मसम्मान है जो मैंने अर्जित किया अपनी कड़ी मेहनत से। क्यों? कोई और कर नहीं सकता। हिम्मत की कीमत है, कहां चील कहां बाज। बाज खाता मारकर और चील खाती मुर्दार। तो चैंपियन मार के खाने वाला है, मुर्दार नहीं खाता। आज भी कुंवर प्रणव सिंह 57 साल की उम्र में रात को 12 बजे से रात के 2 बजे तक रोज पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, घोर अध्ययन करता है। कसरत मेरी महबूबा हुआ करती थी और महबूब से महबूबा छूट गई। वो बच्चा जिसको मर जाना था, खुदा की खुदाई किस तरह से मेरे साथी रसूल ने क्या दिया था मुझे, मैं खुदा की खुदाई से लड़ाई करके, खुदाई से लड़ाई करके मैं बना। इस 1989 में सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में जो फाइट हुई, तो सुपर हैवी वेट में कुंवर प्रणव सिंह नेशनल चैंपियन बना 1989 में। शॉर्टपट थ्रो डिस्कस थ्रो में 11th में यूपी चैंपियन बना और 12th में इंडिया चैंपियन बना। क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह अपने हाथ की कमाई खाना चाहता है, अपने बाप की कमाई नहीं खाना चाहता। जो लोग कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को घमंडी और अपने आप को दिखावा करने वाला बोलते हैं और सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करते हैं, उन लोगों को कुंवर प्रणव सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा कि वो आज जो भी कुछ हैं वो अपनी खुद की मेहनत के दम पर हैं। घमंडी कहे जाने वाले विरोधियों के मुगलते को दूर कर दिया अच्छी तरह से। जब चैंपियन साहब ने अपनी विद्वान बलवान किसान नेता महान जाने चार जबान की विलक्षण व्यक्तित्व को दिखाया, हिंद फोकस न्यूज ने कुंवर प्रणव सिंह से उनके बारे में जाना। देखिए हमारे साथ उनकी बातचीत के पल। मित्रों, मेरे बहुत से साथियों ने मुझसे कहा कि कुंवर साहब, आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, आप क्यों नहीं अपनी बायोग्राफी के विषय में थोड़ा कुछ बोलते, आप अपने जीवन के तजुर्बों को थोड़ा बहुत क्यों नहीं साझा करते। तो मैंने कहा चलिए आज इफ्तिदा करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। सम्मानित साथियों, मेरा जन्म 6 अप्रैल 1966 को हुआ। मैं प्राचीन गौरवशाली लंडौरा रियासत के आखिरी शासक राजा बलवंत सिंह जी, पूर्व विधायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर का पौत्र एवं राजा नरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक का पुत्र हूं। मैं बचपन से ही गांव में, लंडौरा जो गांव था वहां रहे, अपने महल में रंग महल जिसका नाम है, जो प्राचीन लंडौरा रियासत के गौरव का परिचायक है, एक प्रतीक चिन्ह है, रंग महल में हमारा लालन पालन हुआ। मैं और मुझसे 4 साल बड़ी बहन मधुरी मजी, मैं 6ठी क्लास में था, 10-11 साल की अवस्था थी, मेरा लिवर खराब हो गया दोस्तों। 7वीं क्लास में मेरे फेफड़े जवाब देने लगे, खराब हो गए। ये देखिए, लोग कहते हैं आप इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं। मैंने कहा सुनोगे तो अचरज में दांतों तले उंगली दबा लोगे। मैं इतना पतला, कहते लोग मैं इतना पतला था, सब हड्डियां दिखा करती थी। डॉक्टर ने कहा ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी, और मुझे आइसोनेक्स की गोलियां दी जो टीबी में दी जाती हैं। डॉक्टर बोले राजा साहब आपका बेटा जिएगा नहीं। पापा ने कहा अकेला बेटा है, मरने नहीं दूंगा, मेरे फादर की दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए। आए और लंडौरा के महल में अखाड़ा खोद दिया और मुझे कुश्ती शुरू कराई। और देखिए उस जमाने में सरसों बहुत प्योर आती थी, मेरे बदन पर सरसों का तेल मला, उसकी झाल से मुझे इतनी बुरी बदबू आई कि मुझे उल्टी आ गई। ये आप देखिए कि मुझे उल्टी आ गई, मैं इतना कमजोर था कि मेरे बदन में ताकत नहीं थी कि मैं उसको सहन कर सकूं। उसके बाद देखिए अखाड़ा खोदने के लिए जाते थे, अखाड़ा खोदते थे तो बलगम निकलता था फेफड़े से, पीला पीला बलगम, जानदार नहीं थे, ताकत ही नहीं थी, बहुत कमजोर थे। लेकिन हार नहीं मानी, प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष किया और धीरे धीरे फेफड़े ठीक होने लगे, जिगर भी ठीक होने लगा। 8वीं क्लास में मैं स्ट्रांग बच्चा बना। 9th में मैं अपने स्कूल सेंट गैब्रियल्स एकेडमी रुड़की में चैंपियनशिप जीता। 10th में मैंने डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर चैंपियनशिप जीती शॉर्टपट थ्रो डिस्कस थ्रो में। 11th में यूपी चैंपियन बना,
और 12th में इंडिया चैंपियन बना। वो बच्चा जिसको मर जाना था, खुदा की खुदाई किस तरह इस मेरे साथी रसूल ने क्या दिया था मुझे, मैं खुदा की खुदाई से लड़ाई करके, खुदाई से लड़ाई करके मैं बना। इस बीच एक और हादसा होता है, आपको पता लगेगा कि नेचर मेरे साथ नहीं था, लक हैज नेवर फेवर्ड मी। 10th क्लास में मुझे एपिलेप्सी का दौरा पड़ा और मैं एग्जाम नहीं दे पाया 10वीं क्लास का। मुझे दवाइयां दी जाती थी सोने की, आई कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, आई हैड टू रिपीट इट। उसके बाद 12th में फिर मुझे दौरा पड़ा, आई हैड टू रिपीट द 12th अगेन। 2 साल मेरे बर्बाद हुए, लेकिन हार नहीं मानी। पिताजी कहते थे बेटा परिस्थितियों से हार नहीं माननी, ये परिस्थितियां आती हमारा टेस्ट लेने के लिए हैं। और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे एक नदी के रास्ते में जितने पत्थर आते हैं उसका बहाव उतना तेज होता है। खैर 10th क्लास आई, फादर ने कहा कि बेटा हिंदी छोड़ो, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों लो, दोनों विपरीत सब्जेक्ट थे, बहुत मुश्किल थे। पापा ने कहा मैं आपको मुश्किल से मुश्किल काम कराना चाहता हूं जिससे आप सबसे मजबूत बने। 10th मैंने पास कर ली, बड़ा मुश्किल था। एक जगह तो डिफरेंशियल कैलकुलस अलजेब्रा पढ़ते थे, एक जगह नर्वस सिस्टम पढ़ते थे, एक जगह बोन्स के विषय में पढ़ते थे। खैर 12th में आए, 12th भी पास कर ली। मैंने पापा से कहा, मैंने कहा पापा मैं दिल्ली जाके चंदगीराम जी के अखाड़े में भर्ती होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुश्ती में पहलवानी जीत करके मैं ओलंपिक लड़ना चाहता हूँ। पापा ने कहा बेटा व्हाट नेक्स्ट, मलवा पहलवान है दिल्ली में, ओलंपिक मेडल विजेता है, अर्जुन अवार्ड विजेता है, लेकिन दिल्ली की गलियों में चाट बेचना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कोई भी वैल्यू स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, आपको पढ़ाई में अपने पारंगत होना है, पारंगत हासिल करनी है। खैर BSc में दाखिला ले लिया। सुबह से दोपहर तक थ्योरी क्लासेस होती थी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की, और दोपहर के बाद प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी रोजाना। हमारी जो कसरत थी वो छूट गई, यानी महबूबा, कसरत मेरी महबूबा हुआ करती थी और महबूब से महबूबा छूट गई। वास्तव में परेशान हुए, टेंशन में आए, लेकिन कोई बात नहीं, चलाते रहे। BSc हुई, पापा ने कहा बेटा अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करो। मैंने कहा साहब मारना चाहते हो क्या, मेरी महबूबा तो आपने छीन ली, कसरत मुझसे छूट गई BSc में, MSc में एडमिशन करा दिया जूलॉजी में। एक दिन की बात है, पापा ने इंग्लिश का अखबार शुरू करा दिया था। पहले गांव में इंग्लिश का अखबार नहीं आता था, बैकवर्ड एरिया था लंडोरा, हम बैकवर्ड एरिया के थे। खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स में, आर्म रेसलिंग नेशनल्स इन दिल्ली। मुझे आशा की किरण दिखाई थी, मैंने कहा आर्म रेसलिंग पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता है, इसमें टेक्निक वर्क इतना नहीं होगा, शरीर की ताकत से काम चल सकेगा। मैंने पापा को दिखाया, मैंने कहा साहब मुझे दिल्ली जाना है। पापा ने कहा चलो, हमारे यहाँ बुंदू अब्दुल खालिक ड्राइवर हुआ करते थे और मेरे कजन ब्रदर थे रामपाल सिंह आर्मी में, जो शॉटपुट चैंपियन थे, उन दोनों को लेकर के हम दिल्ली आ गए। 1988 की बात है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में IPO स्टेडियम में मैं आना था। मैं उत्तर प्रदेश टीम के पास गया, पापा उस समय MLA थे। UP वालों ने कहा कि आप स्टेट ट्रायल्स में नहीं आए हैं, हम आपको नहीं खिलवाएंगे। मैंने नहीं बताया कि मेरे फादर MLA, अगर बता देता तो उनकी हिम्मत नहीं थी ना करने की। क्यों? क्योंकि कुंवर प्रणव सिंह अपने हाथ की कमाई खाना चाहता है, अपने बाप की कमाई नहीं खाना चाहता। मैंने बताया था ना, अस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस, अस्क्राइब्ड राहुल गांधी, सचिन पायलट सिंधिया अपने खानदान से, अचीव्ड स्टेटस चैंपियन जिसने अपनी मेहनत से बनाया। एक शेर अर्ज कर दूं आप लोगों के लिए, हिम्मत की कीमत है, कहां चील कहां बाज, बाज खाता मारकर और चील खाती मुर्दार। तो चैंपियन मार के खाने वाला है, मुर्दार नहीं खाता है। नहीं लिया आपने बाप का नाम किया MLA है, बाहर निकल आए वहां से और पैदल चल दिए हम तीनों आगे गाड़ी छोड़ करके। जैसे ही फ्लाईओवर के पास आए IPO स्टेडियम के, देखा कि आंध्र प्रदेश की टीम आ रही है। दुआ सलाम हुई, ज्यादातर मुस्लिम खिलाड़ी थे 80% उसमें। चीफ कोच साहब थे मीर मेहर अली साहब, उसके मैनेजर थे। उन्होंने कहा बेटा 100 kg में हो गया, 100 kg वेट में। मैंने कहा हाँ जी, 100 kg वाले का हमारे हाथ टूट गया, आ जाओ। यानी देखिए, यूपी का था उन्होंने मना कर दिया, आंध्र प्रदेश वालों ने कहा आ जाओ। उनके रूम पे गए और जाके देखना शुरू किया। उन्होंने कहा स्टाइल कौन सा है तुम्हारा? मैंने कहा स्टाइल नहीं है भैया, मुझे नहीं आता, मैं तो जान से लड़ाता हूँ जोर से। कहने लगे नहीं, ट्राइसेप्स को लैटिसिमस मसल्स मिलाओ, डेल्टॉइड को पेक्टोरल से मिलाओ और ट्रेपीजियस का से पावर लगा करके जोर लगाओ।
मैंने कहा भाई एकदम से थोड़ी हो जाएगा, इसके लिए तो ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो मुझे ऐसे ही लड़ाने दो, तुम अनाड़ी की खोची, जोर के आगे जुलम नहीं चलता। लड़ाया, मजे की बात है, सेमीफाइनल राउंड में इंडिया चैंपियन से फाइट हुई मेरी, मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा। वो देख के मुझे घबरा गया, हालांकि उसने हरा दिया टेक्निक से। बोला कि यार तुम्हारे सामने आके लगा कि बहुत मजबूत आदमी हो, ऐसा तो बॉडी मैंने देखा नहीं आज तक, पहलवानी करती है बॉडी बिल्डिंग। मैंने कहा बॉडी बिल्डर का थोड़ी होता है बॉडी यार, बॉडी बिल्डर के तो शो होती है, पहलवानी में जान होती है। कहने लगे हाँ यार जान तुम्हें बहुत है, अगर तुम स्टाइल सीख गए तुम सबको मार दोगे। खैर इंडिया में फोर्थ आया मैं। मैंने मीर मेहर अली साहब से कहा, मैंने कहा मेहर अली साहब मुझे हैदराबाद जाके आपसे सीखना है, चलो। उन्होंने कहा, उस जमाने में ना मोबाइल थे ना एसटीडी कॉल थी, ट्रंक कॉल होती थी। डेढ़ घंटा लगा फादर को फोन मिलाने में दिल्ली से लंडौरा, और वो तो एमएलए थे उस समय, गांव में फोन था। पापा से कहा, मैंने कहा मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? मैंने कहा टेक्निक सीखने जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊंगा। बंदू भाई से कहा, मैंने कहा गाड़ी ले जा बंदू। बंदू गाड़ी ले गया, रामपाल सिंह और मैं, हम दोनों हैदराबाद चले गए। 10 दिन तक मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, और उसके बाद 1989 में सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में जब फाइट हुई तो सुपर हैवी वेट में कुंवर प्रणव सिंह नेशनल चैंपियन बना 1989 में, और ये सिलसिला लंबा चला। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अपेयर हुआ 1990 में। सिलेक्शन थोड़ा ही मेरा था, मतलब आई कुड नॉट गेट सिलेक्टेड, बट वेरी नियरली आई क्वालिफाइड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1991 में एशियन चैंपियन बना। वो बच्चा जो खुदाई से लड़ाई कर रहा था, जिगर खराब था, टीबी हो गया था, एपिलेप्सी हो गया था, कोई और होता तो जिंदगी से हार मान गया होता, लेकिन चैंपियन था, चैंपियन हूं, इंशाल्लाह रहूंगा। हार नहीं मानी, संघर्ष किया, और खाली पहलवानी नहीं, पढ़ाई में भी ये मुतवादिर चलता रहा। मेरे साथ के लोग, जब मैं कुश्ती करता था, कुश्ती करके अखाड़ा बढ़ा के बादाम पी के सो जाते थे, मुझे स्कूल और कॉलेज जाना पड़ता था। ऐसे ही मैंने आम आदमी से 10 गुना तपस्या की है, ब्रह्मचर्य का लंबा पालन किया है, कड़ी इच्छा शक्ति रखी है। रात के 2-2 बजे लंगोट बांध करके मैंने पहलवानी की है, दंड बैठक मारे हैं। मेरा मुकाबला तुम फेसबुकिए कल के लौंडे, जिनकी कोई औकात नहीं, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, पसीना नहीं बहाया, जिनको तजुर्बा नहीं, कोई तालीम नहीं, विद्वान नहीं, एक आम आदमी से करके कहते हो बे कि घमंड है। अरे बेवकूफ जाहिलों, घमंड क्या होता है? ये आत्मसम्मान है जो मैंने अर्जित किया अपनी कड़ी मेहनत से। क्यों? कोई और कर नहीं सकता, अपने ऊपर गर्व है, करके दिखा दे कोई। क्या खाली MA MSc PhD को, MBBS को, इंजीनियरिंग को चैंपियन पढ़ाई नहीं मानता? ये सिंपली क्वालिफिकेशंस हैं, दीज आर नॉट नॉलेज। नॉलेज इज व्हेन बिसाइड्स योर ओन सब्जेक्ट यू हैव गॉट फुल होल्ड ऑन द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देन यू कैन बी सेड अ नॉलेजेबल पर्सन, अदरवाइज यू आर जस्ट अ मेयर क्वालिफाइड पर्सन, ओनली क्वालिफाइड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इन ग्रेजुएशन आई हैड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी, यू आस्क मी एनीथिंग इन द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, यू कम टू ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यू कम टू जियोलॉजी, यू कम टू द इकोनॉमिक्स, यू कम टू कॉमर्स, कम टू लॉ, एंड फॉर MBBS यू विल बी सरप्राइज्ड। व्हेन आई वाज इन माय 8th स्टैंडर्ड इन 1980, 42 years ago, my sister was in 12th. मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी है। उनके बायोलॉजी में 97% मार्क्स आए थे, टॉप किया था। MBBS में पहले ट्रायल में सिलेक्ट हो गई थी। मैं 8वीं में था, वो 12वीं में। मैंने 8वीं से लेके BSc फाइनल तक MBBS की सारी किताबों को पढ़ लिया था, तर्जुमा कर लिया था। आज 35 साल होने के बावजूद भी मुझे सब याद है जो MBBS मैंने पढ़ा था। ऐसे ही और विषयों में भी है, हर विषय मैंने पढ़ा है। तो मेरे घमंड को तुम नापोगे भी अनाड़ी बेवकूफों जाहिलों, उस बक इंसान, तुमने जिंदगी में तुम्हारी औकात क्या है, तुमने किया क्या है, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है? ये फेसबुक या ज्ञान मत बांटो बे, परेशानी में आ जाओगे। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन राजा लंडौरा की शख्सियत को एनालाइज करना है तो तपस्या, घोर तपस्या, घोर त्याग, बलिदान, दृढ़ इच्छा शक्ति, रातों को जागना पड़ता है बेटे। आज भी कुंवर प्रणव सिंह 57 साल की उम्र में रात को 12 बजे से रात के 2 बजे तक रोज पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, घोर अध्ययन करता है, जब बोलने लायक हूं, और सुबह उठता हूं 8 बजे
दो या तीन बजे सोने के बाद एक घंटे से ऊपर रोज पसीना बहाता हूं। सर्दियों में भी तुम लोग जो रजाई में पड़े रहते हो, जैकेट में घूमते हो, कुंवर प्रणव सिंह बनियान में मेहनत करके पसीना बहाता है। है औकात किसी की? आज के जवानों, नकली चाय डालने के जवानों, तुम्हारी औकात तुम हम देसी घी बादाम से भिड़ लो, सपने में भी नहीं। तुम्हारे तो जवानी में मांझा ढीला है, खत्म हो, कुछ हो ही नहीं। तुम्हें यही नहीं पता जवानी होती क्या है? जवानी का ढाई दिन तो भेड़ के ऊपर भी आता है, ढाई दिन के जवान हो। अरे चिर युवा बनो, स्वामी विवेकानंद की तरह जैसे चैंपियन है हमेशा से युवा। 57 साल की उम्र में भी ऐसा ही जो 27 या 17 साल में था, जितना 20 साल में था 30 में उससे तगड़ा बना, जितना 30 में है 40 में उससे तगड़ा बना, जितना 40 में 50 में उससे तगड़ा बना, जितना 50 में 60 से उससे तगड़ा, और इंशाल्लाह और तगड़ा होता रहूंगा। आई एम रिवर्सिंग द प्रोसेस ऑफ एजिंग, आई एम स्ट्रेंथनिंग माई सेल्फ आफ्टर एवरी पासिंग ईयर। हर साल के बाद मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूं, अपने सत्कर्म, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी मेहनत से। जो भी करता हूं, दिन में 18-18 घंटे काम करता हूं, कौन कर सकता है? इस सब के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन उसके लिए मैं और आपसे कभी बात करूंगा। आज इस झरोगे से सिर्फ इतना ही, बाकी आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय लंडौरा।